जन आंदोलन में हमारे साथ प्रमुख नेता भी हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे भगत साहब हैं, आपसे जानना चाहेंगे। भगत साहब, आज का ये जन आंदोलन है, जैसे पेड़ों पर लोग चिपके हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने आवाज बुलंद की है, क्या कहना चाहेंगे? ये जन जागृति आंदोलन है, ये लॉन्ग मार्च है, जन आंदोलन लॉन्ग मार्च है। और हमें इस जो नई मुंबई की पानी हो या जमीन हो या दीवापाटी नामकरण हो, इसकी लूट हो रही है, तो अब पार्किंग की लूट हो रही है। वो लूट रुकाने के लिए ये जो नाइक साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है। जिस तरह से जनता साथ में उतर गई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा समर्थन मिल रहा है। जो प्रशासनिक मनमानी चल रही है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सत्ताधारियों के जरिए, जो गैर जरूरी विकास कार्यों पर जनता के पैसों की लूट हो रही है, इसीलिए जो जनता की पैसे की जो लूट हो रही है, उसकी जन जागृति करने के लिए लोग रस्ते पे आ रहा है। और ये आंदोलन उसी लिए है, और इसके अंदर जो जरूरत नहीं है, जो आपातकाल की काम ही हो सकता है प्रशासन काल में, लेकिन धोरणात्मक काम नहीं हो सकता है। जो महासभा चालू तक हो जाएंगे, इसीलिए लोगों की जन जागृति हो गई है और लोग रस्ते पे आ रहे हैं। लोग रस्ते पे आ रहे हैं। इस आंदोलन में एक बड़ी चीज देखने के लिए मिली है कि लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े रहे, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन किया। इसका मकसद ये था कि आज पर्यावरण दिवस है और जो प्रोजेक्ट चलाए जाने वाले हैं उसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होने वाली है। MIDC में 3000 पेड़ और उड़ान पुल के लिए तकरीबन 400 पेड़ों की कटाई होने वाली है, और ऐसे में पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।